Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजन 7 न्यूज। हम आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मवाना के अंदर जो एक जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है, जी हाँ, हमारे साथ बैठे हैं। किसी भी मतलब आपको बता दें, किसी भी शख्सियत जो शख्सियत है वो गरीबों की मदद करने के लिए या किसी भी तरह से अगर जुर्म हो रहा है और जो हम मतलब किसी भी तरह से पशु पक्षी हैं, गाय गौशाला है, उनकी हेल्प, बहुत सारे ऐसे समाज सेवा के काम होते हैं जो लगातार हमारे जो शुभम धामा जी हैं काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। अब उन्होंने एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा और वक्त बता दें, एक उन्होंने सोचा है, अपना निश्चय दृढ़ किया है उन्होंने, और उन्होंने टीम शुभम धामा के नाम से एक संस्था जो वो बनाने जा रहे हैं और काफ़ी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, पूरा मवाना के काफ़ी और बाहर से भी काफ़ी दूर दूर से भी लोग, आपको बता दें कोई मेरठ से है, गाजियाबाद से है, बहुत दूर दूर से लोग हैं जो टीम शुभम धामा के साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक समाज हित में, एक जनहित में ये एक बहुत बड़ा ये कदम होने वाला है। तो हम धामा जी हमारे साथ बैठे हैं, तो हम सर से जानते हैं किस तरह से उन्होंने ये शुरुआत करने का सोचा है और काफ़ी दिनों से वो सेवा समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो हमें सर बताइए जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर, पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर धामा जी, बहुत बहुत हमारे तरफ से भी, क्योंकि आप एक काफ़ी दिनों से समाज सेवा करते आ रहे हैं और अब ये आपने बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाया है, इसके लिए बहुत बधाई। धन्यवाद जी, काफ़ी इस चीज़ सारी सब चीज़ों के पीछे मेरे जो साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उन सबका सहयोग है। कुछ हमारे बड़े हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। सिर्फ ये हमने एक टीम बनाई है, टीम शुभम धामा का हमने इसका नाम रखा है जी। इसका सिर्फ काम है हमारा, जहाँ भी कहीं कुछ गलत होता है उनके खिलाफ लड़ेंगे, गरीबों की मदद करेंगे और सबसे मेन और सबसे पहला मोटिव है हमारा जातिवाद और बरादरीवाद के खिलाफ लड़ना, जो आजकल गंदी राजनीति हो रही है, चाहे वो गाँव की हो, शहर की हो, विधायक की हो, MLA की हो, MP हो, किसी की भी लड़ाई हो, उनके पीछे वे अपनी राजनीति चलाते हैं, जातिवाद बरादरीवाद। दो कास्ट को लड़ाएंगे, भेदभाव कराएंगे, कहीं भी जाके अपना सीधा करना है उनको, कुछ और नहीं करना, अपनी जेबें भरनी है, उसके पीछे किसी गरीब के ऊपर जुल्म करें, बेसहारा हो, कुछ करें, हमारा मेन मोटिव उस चीज़ को ख़त्म करना। हमारे हिसाब से हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में, सब इंसान है, मेन बनाए भगवान इंसान, ये सब आगे यहाँ पर बांट दिए गए हैं अलग अलग मेजोरिटी में कि हाँ भाई चलो पहचान हो जाएंगी, पर हैं सब एक, सिर्फ सोच का फर्क है। दूसरी चीज़ आजकल क्या है लोगों में, हर इंसान के अंदर एक ईगो है, ईगो किसने बनाई है, एक कहीं का 100 लोगों की एक कम्युनिटी है, उसके अंदर अगर 60% किसी कम्युनिटी का ज़्यादा है तो एक इंसान आएगा राजनीति करने, उस पर हाथ रख लेगा 60 कम्युनिटी वाले, ताकि 60 वाले उसको वोटिंग दें और चाहे जो बाकी लोग हैं जो उसको अगेंस्ट हो जाए उन पे क्या हावी करेगा कि तुम्हारी जो कम्युनिटी है 60 वालों की तुम्हारी हैवी है, तो जब वो 60 वाली हैवी होगी तो भैया जो यंग जनरेशन है उनके अंदर सोनी फोन की कम शक्ति होती है, समझाने वाला कोई नहीं होता है, तो वे क्या करेंगे, वे उसको वहीं पे मोटिव को दूसरे इधर उधर के कामों में लगाएंगे, जो गुंडा गैंगस्टर बनाते हैं सपोर्ट करते हैं, बाद में क्या करते हैं उसी चीज़ का विरोध करते हैं। आज के टाइम में जितने भी नेता हैं मिनिमम 90% लोगों के पास हर गुंडा गैंगस्टर बैठता होगा, जब वे ही उनको ऐसा बिठा रहे हैं तो हमारी यंग जनरेशन उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई भी नेता आज तक किसी भी पढ़ाई का मुद्दा नहीं उठा रहा बच्चों की, तो नहीं आज तक जहाँ भी लड़ाई झगड़े दंगे हुए हैं कोई नेता जीत नहीं आया, गरीबों के बच्चे जा रहे हैं, लोअर कास्ट के बच्चे आ रहे हैं, गरीब कोई भी नेता आज तक जेल में नहीं गया, क्यों भाई, लड़ाई वोट जीतेगा कौन, नेता चुनाव जीतेगा, नेता पैसे कमाएगा, जीता घर का, जो लोग मैंने ऐसे देखे जो कुछ नहीं थे आज बहुत अच्छे प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, सब्जी कर रहे हैं, नेता सिर्फ इन चीज़ों में, सिंपल सी बात है यार, अगर कोई बच्चे लग रहे हैं तुम्हारे साथ में तो उनका भला करो, ना सही रास्ता दिखाओ, लड़ाई मत कराओ। दूसरी चीज़ भैया हमारे यहाँ पे क्या है, लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के नाम से जाने जा रहे हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है बाइक्स पे अपनी कम्युनिटी का नाम दिखाएंगे, हम इस जाति से जुड़े हुए हैं जी, बिल्कुल वो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है भाई। सिंपल सी एक बात बताओ, जो भी कोई भी बिरादरी है, XYZ कोई भी नाम दिखाएंगे हो, क्या और बिरादरी के लोग इंसान नहीं है, अपनी पहचान करा दी, इंसानियत से कराओ, कास्ट को ख़त्म करो, मदद करो, तुम किसी की लड़ाई झगड़ा कर रहे हो उसकी जगह मदद करके देखो, किसी दिल को खुशी मिलेगी, हम कर रहे हैं हमें मिल रही है। मेरे साथ एक टीम बनाई है हमने, हमारी टीम
लास्ट थर्सडे बनी है, अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, 6 दिन आ जाए हमारा। उसके अंदर हर गांव से मैं मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट करा। आज के टाइम में 250 लोग जुड़े हुए हैं जी, उसके लिए बधाई सर। उसके लिए हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हमने कहीं पे कोई एक चैन नहीं चलाई कि तुम आगे जुड़ो तुम आगे जुड़ो। हमने सिर्फ एक स्टेटस फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाला था, जिसको जुड़ना हो, जो इंसान के कुछ करना चाहिए वो आए और वो जुड़े। तो जिन लोगों के अंदर इंसानियत थी उनका मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि हाँ भाई हमने हमारी कम्युनिटी में अभी काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो इंसानियत को आगे चलाना चाहते हैं। सर बहुत बड़ी बात है, 6-7 दिन में 250 लोग जुड़ जाना। हाँ जी, ये आपके आपने बड़ी बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उनको मतलब ये भी है वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं भी हमारे क्षेत्र के अंदर पूरे मेरठ जिले के अंदर कह रहा हूँ भाई, कहीं भी किसी के साथ कोई गलत होता है, किसी गरीब पे अन्याय होता है, जुर्म होता है, कोई पुलिस परेशान करती है, कोई नेता परेशान करता है, कोई गुंडा परेशान करता है, वो हमसे संपर्क करें, मोबाइल नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, हम तुरंत पहुंचेंगे, जो हम पे बन पाएगा हम वो करेंगे। किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा किसी अस्पताल के अंदर, वो प्राइवेट हो या सरकारी कैसा भी हो, किसी भी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो वहाँ हम खड़े हैं, जो हम पे जितना ही बन पाएगा, ज़्यादा बड़े बोल हम पे बोलते हैं पर हम करेंगे। और मुझे विश्वास है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरा सहयोग करते आए हैं और करते रहेंगे। कोई नेता हमारे पीछे नहीं है, कोई राजनीति वाले हमारे पीछे नहीं है, ना हमें किसी राजनीति वाले का सपोर्ट चाहिए, ना हम यहाँ पे राजनीति करने आए हैं। हम तो सिर्फ उन दलालों की दुकान बंद करने आए हैं जिन्होंने राजनीति कर करके आज 0 से 100 पहुँच गए हैं। सर एक बड़ा सवाल मैं आपकी बात रखना चाहूँगा, बड़ा सवाल बनता है क्योंकि जब इंसान एक जब फेमस हो जाता है या समाज में सब लोग जानने लगते हैं तो सर उसके बाद शुरू में तो वो मना करता है कि मैं राजनीति पर राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन सर आने के बाद कुछ वक्त बाद पता चलता है कि वो तो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, सांसद का चुनाव लड़ रहा है। कई बार आप देख लो रावण है, उनको मना करा था राजनीति में आने के लिए, आज आप देखो खुद की पार्टी बना चुके हैं। बिल्कुल, तो अक्सर देख रहा है। तो सर ये मतलब कैसे आप किस तरह से आप इसको लेके चले? मैं बताऊँ भैया, जो आपने एग्जाम्पल दिया रावण का, रावण चल रहा है कम्युनिटी को आगे लेके, मैं उनका पूरा विरोध करता हूँ, मैं सपोर्ट में नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर उसको इंसानियत जगानी चाहिए, अगर हम एक ही कास्ट को लेकर चल रहे हैं, सपोज करो अगर हम दो ही लोग हैं, हम दो में से एक को सपोर्ट करने हैं, एक बाप अपने एक औलाद को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को लड़ रहे हैं, दूसरे का नुकसान है, वहाँ से इंसानियत खत्म हो रही है, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। कल को तुम अगर सत्ता में आते हो तो दूसरे तो जो तुम्हारी कम्युनिटी के लोग हैं दूसरों पर हावी होंगे, जुर्म होगा, जुर्म होगा, क्या करो खुद आप ही बताओ। आप तो पत्रकार हो, सब जगह घूमते भी हो, आप खुद इस चीज को सोच के बताओ कि अगर एक कम्युनिटी आगे चलेगी तो उससे क्या नुकसान हो, क्या बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा समाज पर, और जिसके भावी जो दुष्प्रणाम है वो आगे देखने को मिले। ठीक है, दूसरी चीज हमारी ये है, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, फर्क हम किसी के अंदर पड़ना नहीं चाहते, हम सबको लेके साथ चले हैं और लेके साथ चलते रहेंगे। दूसरी चीज आपने मेरे से पूछी कि राजनीति, भाई अभी हम राजनीति करने नहीं आए, मैंने आपसे क्या बताया, हमारे क्षेत्र के अंदर हमने खूब देख लिया, हमें बिरादरी बात खत्म करना है, हमें ये जो भेड़ बकरी वाली चाल है ना कि हम एक ही लाइन में सब चले जा रहे हैं, यंग जनरेशन को, खासकर यंग जनरेशन को, जो छोटे छोटे नेता, छात्र नेता, विधायक, MP ये सब भटका के चल रहे हैं या उनके गुर्गे चल रहे हैं, उनके गुर्गे चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी चल रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे जाओ क्राइम की ओर जाता है। जब वो गलत है उनको नहीं पता भैया, हम बताएं, हमें नए यंग जनरेशन, हमें भी कोई समझाए तो समझ में आएगा, वरना नहीं पता चलता, जब उनको नहीं पता गलत रास्ते पर चले जाएंगे, रिपोर्ट होगी मुकदमा होगा, कोई नेता साथ नहीं देता मेरे भैया, 2 दिन तक साथ है, हाँ भाई थाने में फोन कर दिया कर दिया, बुरा अपना होता है, पैसे अपने लगते हैं, माँ बाप अपने परेशान होते हैं। हाँ अगर समाज चाहेगा तो गलत होता रहेगा, गलत के विरोध में खड़ा होना ही पड़ेगा, वो हमें किसी भी रूप में होना, आंदोलन करना हो, राजनीति करनी हो, राजनीति नहीं करेंगे, पर अगर हम उसी पोजिशन में पहुंचे तब भी हमारा मेन मोटिव पैसा कमाने रहेगा, ना हमें कमाने हैं पैसे जी, जिन्होंने पैसे कमा लिया उनके पास पैसे काफ़ी हैं, वे कमा के चल दो, हम तो जाएंगे और आगे दोबारा आगे राजनीति करें, पर मिनिमम जो पब्लिक है उनको उनकी रियलिटी साबित करा देंगे, ये क्या लोग। आप मुझे एक बात बताओ, कोई नेता किसी को खाने नहीं देना, जब इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन से पहले सबने यहाँ पर मीटिंग करी, आज क्या हो रहा है, कोई चलने को तैयार नहीं है, पूरा तुम्हारा पूरा लॉकडाउन बीत गया, सब चीज़ चली गई है, मवाने प्राइवेट अस्पताल नहीं खुले हैं, क्या गवर्नमेंट में इतनी शक्ति है प्राइवेट अस्पताल खुला गया, लाइसेंस कैंसिल कराओगे तो अपना सब खोलेंगे, लोग मर रहे हैं, कम से कम 30% लोग इस कोरोना के अंदर मरे हैं वो बिना इलाज के कारण मिले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं लोग, उससे तो कुछ नहीं, इलाज करने जब डॉक्टर आ गए नर्स पकड़े तभी पता चला क्या दिक्कत है, दूर से बैठ के कोई देवता नहीं हो, कोई भगवान नहीं। भैया तीसरी चीज़,
हमारे यहाँ की पुलिस अपना काम करती है, ये हम गलत नहीं है, पुलिस अपना काम सही करती है, क्या करते हैं नेता जो सत्ता में होते हैं वे उनको अटकते हैं, उन पर जोर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, गलत कराएंगे। तीसरी चीज, कहीं भी किसी भी इलाके के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, जुर्म हो रहा है, तो या तो वो किसी नेता की सपोर्ट से हो रहा है या उनके धर्मों के गुरुओं की सपोर्ट से हो रहा है। वरना एक बात बताओ आप, पुलिस सतर्क है, अगर नेता सपोर्ट ना करे किसी को क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। फिर उसको एक मुद्दा बनाते हैं राजनीतिक, उसको मुद्दा बनाते हैं। हमारे यहाँ की जनता इतनी भोली मान लो, इतनी अच्छी मान लो कि हाँ भाई वो अपने प्रतिनिधि पे विश्वास करती है, जैसे वो करा वो सही है। तो इस नेता और एक प्रतिनिधि का भी फर्क बनता है कि वो भी उनके साथ गलत ना करे। राजनीति कर रहे हो, राजनीति का मतलब होता है समाज का सेवा करना, राज्य की नीतियाँ बनाना, राज्य की नीतियाँ वही जिससे वो राज्य आगे जाए। अगर आप उल्टा करो, यहाँ पे क्या होता है, राजनीति को धंधा बना रखा है, पैसे कमाने का। एक विधायक जब चुनाव लड़ता है ना, जब उसके पास 100 रुपये होते हैं, और जब वो एमपी एमएलए बन जाता है, जब उसके पास 1000 रुपये होते हैं, क्यों भाई? एक कोटा ही तो बना हुआ है कि हाँ भाई तुम्हारी इतनी तनख्वाह है। चलो मैं मान रहा हूँ तुम ऊपर कमा रहे हो, थोड़ा कमाओ, ज़्यादा ना कमाओ, पर यहाँ लूट मचा रखी है, काम कोई कुछ करने को तैयार नहीं। और सिर्फ एक ही सरकार की, हर सरकार की, हर सरकार की, बिल्कुल सरकार, आप किसी एक पार्टी को नहीं कह रहे, सभी सरकार की। क्या होता है, चुनाव से पहले सब नेता दिखते हैं, चुनाव के बाद में कोई नेता ही नहीं दिखता। चुनाव से पहले वोट भी मांगेंगे, सब चीजों के वादे भी होंगे, पूरा आज तक किसान आत्महत्या करने को तुल गया है, उसका पैसा मिलने को तैयार नहीं है, ऊपर से लोन की किस्तें बढ़ाई जा रही है। अब एक चीज और चलिए, इनकम टैक्स लगाने वाले हैं। हाँ जी, अब जब अन्नदाता के साथ ये हो रहा है, भैया और जनता क्या करेगी? पूरे देश को खिलाने वाला किसान ही है, किसान की वजह से आप सब बैठे हैं, सब खा रहे हैं, क्योंकि किसान नहीं होगा तो देश ही बिल्कुल। भैया अब सब चीज़ों को, अब मैं चाहता हूँ ये जो चीज़ें हैं ना, ये पब्लिक तक पहुँचूँ। मेरा मोटिव, अब मैं कोशिश करूँगा टाइम की निकालने का कि हाँ हर संडे में एक काम करके पहुँचूँ। अच्छा, जितने मेरे तो मतलब जितना जितना ही बन पाएगा, मैं करूँगा टीम जो भी जितना ही बन पाएगा मैं करूँगा, और मैं पूरा विश्वास जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरा पूरा सहयोग करेंगे। तो सर लास्ट में कुछ आप जो आपके दर्शक हैं, बस कुछ बस सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, मेरे जितने भी आप क्षेत्र के वासी हो, सबसे अनुरोध है जातिवाद बिरादरीवाद से बचो। ये सिर्फ नेताओं का एक मोटिव है आपको बहकाने का, वोट प्राप्त करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बिरादरीवाद जातिवाद के रास्तों पर अगर तुम चलोगे, एक बात कुछ सोचो, पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ा के पाकिस्तान और भारत को अलग कर दिया था, कितने देश बना लोगे भाई? अगर बिरादरीवाद जातिवाद पर आ जाओगे, जाति ज्यादा बढ़ जाएगी, देश कम पड़ेंगे हम, तो इसी चीज से बचने बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत ही अच्छा मैसेज जो है शुभम धामा जी ने दिया है, जो उनकी टीम है, टीम शुभम धामा जो संस्था यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। आपको बता दूं बहुत उनके अच्छे यहाँ पर विचार हैं, और समाज सुधारक सारे विचार उनके इस टीम के अंदर हैं, उसको सभी को बता दिए गए हैं। बड़ी बात, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये टीम शुभम धामा कितना समाज को बदलने का काम करती है। जो हमारे नवयुवक हैं, युवा हैं, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो हम भी उम्मीद से यही करते हैं कि उनको वो सही रास्ते पर लाए, एक अच्छी उनको वहाँ पर राह दिखाए, ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें। और ये समाज में जो गंदगी फैली हुई है, उसको कहीं ना कहीं हम भी चाहेंगे कि टीम शुभम धामा इसको समाज से खत्म करें। मैं कमला गांधी पर के साथ अजीत सिंह आ चुका हूँ।